दोस्तों जल्द ही हमें सोनी टीवी पर एक नया सीरियल अपनापन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस सीरियल का प्रोमो रिलीज हो चुका है, जहां सीरियल में हमें कई दमदार कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। सीरियल के प्रोमो को देखकर लगता है कि ये सीरियल एक शादी फेल होने के ऊपर है। शादी फेल होने के बाद जिस तरीके से उनके बच्चे का पालन पोषण होता है, उसमें कई मुसीबतें आती हैं। वहीं हमें अभिनेत्री राजश्री ठाकुर सीरियल में लीड रोल के तौर पर देखने को मिल रही है, जो अपनी एक्टिंग के अंदाज से सभी को इस सीरियल के प्रोमो से आकर्षित कर रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सीरियल में राजश्री के रोल से पहले मेकर्स ने कई अभिनेत्रियों को अप्रोच किया था, पर उन अभिनेत्रियों ने इनके रोल को करने से मना कर दिया। तो आखिरकार वो कौन सी अभिनेत्रियां हैं और किस वजह से इन्होंने इस सीरियल में राजश्री के रोल को करने से मना किया है, जानते हैं हमारे इस वीडियो के जरिए। नंबर वन, जूही परमार। सबसे पहले बात करते हैं अभिनेत्री जूही परमार की, तो आपको बता दें जूही परमार टीवी इंडस्ट्री की एक मशहूर अभिनेत्री मानी जाती है। तभी तो अपनापन सीरियल के मेकर्स इन्हें राजश्री के रोल में देखना चाहते थे, लेकिन इन्होंने राजश्री के रोल को करने से मना कर दिया है, क्योंकि मेकर्स इस सीरियल में इनकी नॉर्मल फीस से कम फीस दे रहे थे। जहां ये कम फीस में इस सीरियल को करने के लिए राजी नहीं हुई, तभी इन्होंने राजश्री के रोल को रिजेक्ट कर दिया। नंबर टू, साक्षी तंवर। इस लिस्ट के दूसरे नंबर पर नाम शुमार होता है अभिनेत्री साक्षी तंवर का। तो आपको बता दें राजश्री का रोल इन्हें भी ऑफर किया गया था, लेकिन जब इन्होंने इस सीरियल की स्क्रिप्ट पढ़ी तो इन्हें सीरियल की स्टोरी ज्यादा खास नहीं लगी, जिसके चलते इन्होंने खुद ही इस सीरियल में राजश्री के किरदार को निभाने से मना कर दिया। नंबर थ्री, परिधि शर्मा। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर नाम शुमार होता है खूबसूरत और टैलेंटेड अभिनेत्री परिधि शर्मा का। इस सीरियल के मेकर्स ने इन्हें पूरी तरह कंफर्म कर लिया था, लेकिन जब परिधि शर्मा से बातचीत की गई तो इन्होंने राजश्री के रोल को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह ये बताई गई है कि ये इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ में काफी ज्यादा बिजी चल रही है, जिसके चलते ये अभी किसी भी सीरियल में अभिनय नहीं करना चाहती। नंबर फोर, रूपाली गांगुली। इस लिस्ट के चौथे नंबर पर नाम शुमार होता है अभिनेत्री रूपाली गांगुली का। तो आपको बता दें रूपाली गांगुली को इस सीरियल में राजश्री के किरदार को निभाने का ऑफर दिया गया था, लेकिन रूपाली गांगुली का इन दिनों सीरियल अनुपमा काफी ज्यादा हिट चल रहा है और ये अपने इस सीरियल को छोड़ना नहीं चाहती किसी दूसरे सीरियल के लिए, जिसके चलते उन्होंने साफ साफ राजश्री के रोल को करने से मना कर दिया। वेल दोस्तों, आप इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री को राजश्री के रोल में देखना चाहते थे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।